नवे पैणगे। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग गुड होंगे। मैं आज आपके सामने चार दिन की छुट्टी के बाद हाजिर हूँ और इस टाइम 6:10 हो रहे हैं, तो इसका मतलब इफ्तारी करनी है और उसके बाद कुछ छोटे छोटे काम हैं और कुछ बातें आपको बतानी हैं। तो मिलते हैं आपसे इफ्तारी के बाद, फिर आपको बताते हैं क्या पिछले चार दिनों में करते रहे और क्या सीन है सारा। तो हाँ, इफ्तारी कर ली है और मैं आपको बताने लगा था कि चार दिन से मैं किधर था। तो यार वैसे ही ज़रा ब्रेक लिया हुआ था और उसके अलावा फुल प्रॉपर टाइम वर्कशॉप्स में देता रहा हूँ ईके जो है, और माशाल्लाह से आज आपको रिवील करने लगे हैं। जो के लोग मुझे इंस्टा फॉलो करते हैं उन्होंने तो कल देख लिया होगा और यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, गाड़ी बहुत पसंद आई है और जो है अभी बस जा रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा काम है तो वो करवाना है, उसका दरवाज़ा बाहर से नहीं खोल रहा। कल गाड़ी कम पॉलिश वगैरह करवा रहा था, सर्विस स्टेशन वाले ने खींच के दरवाज़ा खोला है, तो वो उसके बाद से वो मसला बना हुआ है। बाकी गाड़ी ऑल ओवर तकरीबन कंप्लीट है, वर्कशॉप से आ गई है, यही बड़ी बात है। उसके छोटे छोटे से काम है, फ्रंट लुक तो कम्प्लीट है, बैक लाइट्स वगैरह और ये छोटी छोटी चीज़ें मंगवानी है। तो जाके निकालते हैं गाड़ी घर से और मैं आपको दिखाता हूँ और फिर शश के चेक करवाता हूँ ज़रा उसके। ये अब्दुल्ला भाई अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई वहाँ लेफ्ट साइड से करें। हाँ जी मिट्टी है। इसका कोल्ड स्टार्टअप करते हैं क्योंकि अब इसका स्ट्रेट पाइप भी हो चुका है। सर लगता है फिर से नीचे से कहीं ना कहीं से हो गया, जिसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। देख लिए हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। तो आए अब आपको इसके बारे में साथ साथ दिखाता हूँ और बताता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है। तो ये गाड़ी है, आपको पता ही होगा गाड़ी है। ये फ्रंट हेडलाइट्स की बॉडीज़ वगैरह चेंज की हैं सारा कुछ। ये टाइपर वाली बॉडी किट फाइबर में, ग्रिल फाइबर में, और फ्रंट टिंट मैंने कल किया था और उतार दिया था क्योंकि वो बहुत गंदी क्वालिटी का था और उसमें नज़र कुछ भी नहीं था आ रहा। ये रिम्स हैं जो आपको हालांकि पहले दिखा भी दिए थे, इनके पर प्रोफाइल 195/55/16 जो कि मुझे पता है थोड़ी सी ज़्यादा है। ये इशारे लगने वाले हैं, अभी गाड़ी में छोटे छोटे काम हैं, मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। और यार टायर प्रोफाइल बड़ी ढूंढी थी लेकिन नहीं थी, मिली ना मुझे, और टाइम काफ़ी हो गया था। तो इंशाल्लाह टायर प्रोफाइल चेंज कर लेंगे जैसे ही कोई अच्छी मिली। ये बैक लाइट्स वही पुरानी वाली हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इनकी वो शाइन और इनका क्रोम, और ये लाइट्स देख रहे हैं टूट गई हैं। ये स्पॉइलर की तार है, ये भी ले लेनी है, बस मंगवाई नहीं है। एग्जॉस्ट की टिप उसी के ऊपर दोबारा से करवा ली है, ये वाला हिस्सा पेंट होना है और प्लेट बनी हुई पड़ी है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। और ये स्पॉइलर रही भी फाइबर में है, मोनोग्राम्स लगने हैं। गाड़ी पेंट वगैरह वर्कशॉप से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस ये छोटे छोटे से काम है जो ये सनवाइजर्स एयर प्रेस लगने हैं। और इस गाड़ी पर जितनी भी मेहनत लगी है वो जो रिएक्शन और जो लोग अपने कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं उससे भाई मेरा कोई रिग्रेट नहीं होता कि धूप में जा के वर्कशॉप्स पे हर एक चीज़ को बताओ पेंट सारा सिलेक्शन वगैरह। और पेंट की सिलेक्शन के बारे में कुछ बताता जाऊं तो इसको पहले ब्लू थी रैप में, तो सोचा था कि ब्लू पेंट ही करवाना है, लेकिन वो ब्लू काफ़ी ज़्यादा चल गई थी तो लुक चेंज करनी थी, तो इसलिए फिर इसको ऑरेंज की है। और ये ऑरेंज भी प्रॉपर ऑरेंज नहीं है, इसमें शेड में थोड़ा सा फ़र्क किया है। और ये पेंट के मैं आपको पल्स एक दफ़ा चेक करवाता हूँ, ये चेक करें, ये सारा सीन है। इंजन में मैंने इसलिए नहीं दिखाया, इंजन पे दिखाने वाला नहीं है, वो वाइट है और ये दरवाज़ों के अंदर से भी वाइट है। ये पेंट नहीं करवाया ताकि पेपर्स वगैरह में मसला ना आए गाड़ी के। और उसके अलावा जो है D15 है, ऑटोमेटिक है गाड़ी। और इंटीरियर के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ,
हाँ तो वो तकरीबन पहले की तरह ही है। ये मोमो का स्टीयरिंग लगा हुआ है, इसमें टिल्ट किट लगी थी लेकिन इसमें प्ले आई हुई थी तो वो उतार दी थी। और ये सारा सीन है, ये भी किसकी है, ये म्यूगन की गियर नॉब लगी हुई है, ये स्ट्रैप्स लगे हुए हैं और ये सारी जो है पोशेस वगैरह पहले करवाई थी। और ये ऐसे ही रूफ भी और इस तरह से सारी और फ्लोरिंग भी, बस ये सारा इंटीरियर है गाड़ी का। वे ट्रायल रूम दे दो बंदे की कर रहे हो, कपड़े पा रहे हैं, सेंसर कर दें सेंसर। असफंद आप ये लेने लगे हैं ना, व्लॉग में जाएगी फेमस फेमस असफंद। ओए मां मार्शल यार आप जो पहनते हो अच्छा क्यों लगता है, इतना अच्छा लड़कियां इसमें भी पागल हो जाएंगी। असफंद यकीन मानना पागल, जो मैं रात को जीटी रोड पे खलो मैं ना तो अमीर हो जाना। या की पागल चेक करा रहे हो, वाओ KFC वाओ। ओए गंदे दुकान राइट है ना, गंदे दुकान क्या, गंदे दुकान में सॉरी भाई। वी आर डन विद शॉपिंग, बिग शॉपिंग ऑफ समर एंड नाउ वी गाय आ रही। हम KFC पे बैठे हैं और हमने क्या ऑर्डर किया, ऑर्डर कर दिया यार, खा के मिलते हैं, सीढ़ियों पे बैठा हूँ। शॉपिंग भी होगी, KFC भी खा लिया और घर पहुंच गया हूं। तो ये आज की सारी वीडियो थी और आगे से मैंने आपको बताना था कि वीडियो दो दिन छोड़ के या हफ्ते में 2-3-4-5 वीडियो आती रहेंगी। और यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड कर रहा हूं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यार माशाल्लाह बोल देना गाड़ी को देख के, क्योंकि गाड़ी पे लगी है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। और वैसे भी कभी कहीं गाड़ी आपको नज़र आती है, आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, क्लीन नज़र आती है, तो जाहिर सी बात है उसके ओनर ने मेहनत की होती है गाड़ी के ऊपर और उसने अपना टाइम दिया हुआ होता है। तो आपके सिर्फ 1-2 सेकेंड लगते हैं माशाल्लाह बोलने में, उससे ये होता है कि गाड़ी बुरी नज़र से बच जाती है। अब अल्लाह ना करे मैंने एक महीना लगा के गाड़ी को कंप्लीट किया है और अगर किसी की नज़र लग जाती है अल्लाह ना करे तो आपको पता ही है, तो इसलिए माशाल्लाह ज़रूर बोला करें यार। गुड बाय। ओ भाई वाली ऊपर करो, सबको आवाज आनी चाहिए। माशाल्लाह आया कहां से स्कूल परफॉर्मेंस बैर नु जान मेरी हुन का तो बदलियां छाइया ने क्यों कल तो नाम नु फिरनी है जो हत्थी गानियां पाइया ने छड़ गुस्सा हुन जान दे